हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये 2 यूरो का डिजाइन है और देखने में बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने क्रोशिया नंबर 12 ली है, ये देखिए। और अब हम देखिए इसकी फर्स्ट रो जो बुनेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें 20 चैन बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 20 चैन मैंने बुन ली है। 20 चैन के बाद देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, फंदे बनाने हैं पहले आपने। तो देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4 आपने हर चैन में फ्रेंड्स इस तरह से फंदे बनाने उतारने, इस तरह रखने हैं क्रोशिया पे। 2, 4, 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। देखिए 20 चैन बुनी थी तो ये 20 फंदे हो गए। और इस तरह से हमारी देखिए फ्रेंड फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो देखिए, यहीं से बुनेंगे हम। सेकंड रो इस तरह बुनेंगे, पहले एक में बुनेंगे ताकि ये हमारा सीधा चले। फिर इसके बाद देखिए 2 में निकालेंगे। अब हम 2 में से निकालते जाएंगे इस तरह, हर 2 फंदों में से हमने इस तरह से बुनना है। ये देखिए, देखिए 2 में से निकालिए, ये देखिए 2 हैं, इन 2 में से निकालिए इस तरह से। ये 1 और ये 2 इस तरह आपने निकालना है। तो हर चेन में से इसी तरह बुनते आइए। ये हमारी सेकंड रो हो गई है फ्रेंड्स। देखिए अब ये 2 बचे हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए सेकंड रो इतनी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो जो बुनेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। यहाँ से अब देखिए व्हाइट को छोड़ दीजिए और दूसरे कलर को आप इस तरह रख के इन दोनों में से इस तरह से। अब देखिए थर्ड रो स्टार्ट करनी है, तो 1 तो हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसके नीचे से, ये जो आपने बनाया था इसके नीचे से आपने इस तरह से 2 हो गए, 3 फंदे और ये 4। देखिए 4 फंदे हो गए। 4 के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने अब इसमें नहीं बुनना, आपने जो हमने 4 इसी तरह बुना, अब आपने देखिए इसके बीच में यहाँ से, ये देखिए ये जो है बीच, यहाँ से आपने इस तरह से लेना है 1। और आपने इसके दोबारा इसके यहाँ 1 ले लिया। अब दूसरी वाली जाली में यहाँ से आपने दूसरा लेना है इस तरह। फिर आपने देखिए इसके नीचे से यहाँ से देखिए 1, 2, 2 के बाद देखिए ये 3 और 4। देखिए 4 फंदे आपने इसी तरह इनके नीचे से बुनने हैं। और अब 5वां जो बुनेंगे आपने देखिए इसके बीच में से, यहाँ से ये जो होल है यहाँ से जाली में से इस तरह 1 और 2 इस तरह बुनना है। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4 देखिए 4 इस तरह। और इसके बाद ये जो बीच में है नीचे, ये जो खाली है आपकी जाली, यहाँ से 1 और 2 आपने इस तरह बुनना है। फिर आपने इनके नीचे से ही बुनना है 4 बार 1, 2, 3 और ये 4 इस तरह से। देखिए आप क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए फिर से आपने क्या करना है, पहले आपने 1 बुनना है इस तरह,
फिर इसके बाद आपने देखिए एक हो गया, दो, तीन, चार। देखिए चार आपके इस तरह बुन गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स जो तो बीच में से जाली वाले बुने थे ना, अब आपने इस तरह से इन तीनों में से बुनना है इस तरह। फिर आपने देखिए एक, दो, तीन, चार। चार के बाद देखिए बीच में चार आ गए। अब आपने देखिए ये एक फंदा, ये दो फंदे और ये तीन, इन तीनों में से आपने एक बार लेना है इस तरह। फिर देखिए एक, दो, तीन और ये चार। चार के बाद देखिए फिर ये देखिए ये बीच में जो दो थे ना, इन ये दो और ये, इनमें से आपने इस तरह से लेना है तीनों में से एक बार। फिर देखिए एक, दो, तीन। अब देखिए इस तरह से मेरी फोर रो भी कंप्लीट हो गई है। और देखिए बीच में ये वाली पत्ती चलेगी यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए व्हाइट से बुनेंगे, से फोर रो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए फिफ्थ रो जो बुनेंगे वो व्हाइट से बुनेंगे इस तरह। देखिए आपने इन दोनों में से एक बार बुनना है इस तरह। अब देखिए एक फंदा हो गया, फिर आपने देखिए ये दो फंदे बनाने हैं, ये तीन, तीन के बाद ये चार, चार फंदे आपने इस तरह बना लिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो बीच की जाली है यहाँ, यहाँ से आपने फिर एक और फिर इसके बाद यहाँ से, यहाँ से दूसरी जाली में से इस तरह से दो, फिर इसके बाद देखिए बीच में चार आएंगे, एक, दो, तीन, चार। ये बीच में चार आ गए। फिर देखिए जो जाली है इस तरह से, यहाँ हमारी बहुत खूबसूरत सी फ्रेंड्स फली बनेगी जो देखने में बहुत ही प्यारी लगेगी। एक, दो, तीन, चार। और देखिए बीच में यहाँ फली वाली बनानी है तो आपने यहाँ से एक, दो, फिर देखिए यहाँ दो के बाद यहाँ से आपने चार बुनने, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से। देखिए ये हमारी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए सिक्स्थ रो यहीं से बुनेंगे। ये देखिए पहले एक बुन लेंगे, एक हो गया। इसके बाद देखिए ये दो, ये तीन और ये चार। देखिए चार हमारे किनारे के आ गए। अब हमने क्या करना है, देखिए ये एक, दो, तीन, इनमें से आपने लेना है इस तरह से ये। फिर आपने बीच में चार बुनना है, एक, दो, तीन और ये चार। चार के बाद देखिए अब ये बच रहे हैं ना, ये बीच वाली फली जो बना रहे हैं, इन दोनों में से आपने इस तरह से बुनना है। फिर देखिए एक, दो, तीन और ये चार। अब इन दोनों में से बुनना है जो बीच की दो फलियां हैं, देखिए ये इन दोनों में से आपने इस तरह से बुनना है इस तरह से। बस फ्रेंड्स इसी तरह बुनना है आपने। अब आपने यहाँ से देखिए इस तरह से आपकी देखिए ये फली बनती आ रही है, ये बन रही है, ये बन रही है। फिर आपने देखिए व्हाइट लेना है। बस अब आपने इस डिज़ाइन में फ्रेंड्स दो ही रो रिपीट करनी है। देखिए एक हमारा फंदा बन गया, दो, तीन, चार, चार फंदे बन गए। ये जो फली है इसके पीछे यहाँ जाली में यहाँ से आपने ये एक, फिर इसके पीछे यहाँ दो इस तरह से। फिर देखिए बीच में चार फंदे रखने, तो एक, दो, तीन, चार, चार फंदे आ गए। अब यहाँ फली बनाएंगे तो यहाँ इस तरह एक और इसके पीछे यहाँ देखिए दो। फिर ये देखिए इसके नीचे से एक, दो, तीन, चार और इसके बाद देखिए फली के पीछे से यहाँ से पहले एक और इस यहाँ से दो। फिर इसके बाद देखिए इसके नीचे से एक, दो, तीन और ये चार इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स दो, चार, छः, देखिए इस तरह से हमारी सेवन रो भी बन चुकी है। अब देखिए इस एट रो को हम यहीं से बनाएंगे। पहले एक में कीजिए, फिर ये देखिए इस तरह से।
ये किनारे के चार आ गए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फंदे देखिए। और इसके बाद देखिए ये कुर्दोई फली वाले को दोनों को आपने इस तरह से एक बार बुनना है, फिर ये एक दो तीन चार और फिर देखिए फली वाले को दोनों को एक साथ बुन लीजिए इस तरह। फिर ये फ्रेंड्स इस तरह से हमारी फली बनती जा रही है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है इस तरह से, देखिए ये भी कितनी अच्छी लग रही है ये देखिए। तो बस फ्रेंड्स देखिए आपने फर्स्ट रो छोड़ के सेकंड रो छोड़ के थर्ड फोर्थ यानी सिर्फ टू रो आपने इसमें रिपीट करना है आपने। अब देखिए फिर हम इसी तरह से बस अब व्हाइट से बना लेंगे ये देखिए। तीन चार एक ये दो फली वाले फिर ये इस तरह से बस एक दो तीन चार इस तरह से देखिए। बस अब आपने ये देख लीजिए एक दो तीन चार चार आपके किनारे के इसी तरह। अब ये फलियों वाले फंदे एक साथ बुने जाएंगे, फिर आपने देखिए एक दो दो के बाद तीन के बाद चार और ये फली वाले फंदे एक साथ बुने जाएंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार और ये फली वाले फंदे एक साथ बुने जाएंगे। बस इसी तरह से फ्रेंड्स आपने सिर्फ रिपीट करना है देखिए, और इतना प्यारा सा आपका डिज़ाइन बनता जाएगा देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।